देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि खास है। कहते हैं अतिथि देवो भव। इस बार भारत की ओर से मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये पहली बार हुआ है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल सीसी को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसे अक्टूबर 2022 में मिस्र की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति को सौंपा गया था। मिस्र 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित 9 देशों में शामिल है। दोनों देश इस बार राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है अब्दुल फतेह। अब्दुल फतेह अल सीसी 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं। वो गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत द्वारा आयोजित होने वाले मिस्र के पहले राष्ट्रपति हैं, पहले नेता भी हैं। 68 वर्षीय अब्दुल फतेह अल सीसी एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने 2014 तक मिस्र की सेना के कमांडर इन चीफ के तौर पर काम किया। सेना से सेवानिवृत्त होने से पहले सीसी ने 2013 से 14 तक मिस्र के उप प्रधानमंत्री, 2012 से 2013 तक रक्षा मंत्री और 2010 से 2012 तक सैन्य खुफिया निर्देशक के रूप में काम किया। 2013 में एक सैन्य तख्ता पलट के माध्यम से पद से लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मूसी को हटाने के बाद 2014 में सीसी राष्ट्रपति बने। 1954 में पैदा हुए सीसी ने 1977 में मिस्र की सैन्य अकादमी में स्नातक किया और 1992 में यूके में जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि का चयन कैसे किया जाता है? सरकार सावधानी से विचार करने के बाद किसी राज्य या सरकार के प्रमुख को अपना निमंत्रण देती है। ये प्रक्रिया गणतंत्र दिवस से लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। विदेश मंत्रालय द्वारा कई मुद्दों पर विचार किया जाता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है संबंधित देश के साथ भारत के संबंध। अन्य कारकों में राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध, पड़ोस, सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय समूह में प्रमुखता से शामिल हैं। ये सभी विचार अक्सर अलग अलग दिशाओं में इंगित करते हैं और मुख्य अतिथि चुनना इसलिए अक्सर एक चुनौती बन जाता है।